आज की स्टूडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज की स्टूडियो में हम लोग जो है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के जो दो पार्ट्स हम लोग के बच गए थे, दो पॉइंट बच गए थे, वाइन और सीवियस। हम लोगों ने पार्ट टू में जो थी एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का दो पॉइंट कंप्लीट किया था, रनिंग वाटर और ग्लेशियर। इस पार्ट में हम लोग वाइन और सीवियस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब हमारा एजेंट ऑफ ग्रेडेशन मेन पॉइंट जो खत्म हो जाएगा उसके बाद एक और हम मेन पॉइंट स्टार्ट करेंगे सॉइल इसी वीडियो में। और जो है इस वीडियो में सॉइल के और दो टॉपिक है जिसपे है, उसमें है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल, जो सब कुछ जो है हम लोग इसी पार्ट में जो है कवर करने वाले हैं। सो गाइस तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पॉपकॉर्न लेके बैठिएगा क्योंकि वीडियो यहाँ से लंबी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और दिल से लाइक करना भाई, और कमेंट कर दो अच्छी सी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। इन द रीजन वेयर देयर इज अ लिटिल रेनफॉल एंड मच वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, ऐसे जगह जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है तो वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर वेजिटेशन जो है ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, देखो गर्मी ज़्यादा होती है डेजर्ट एरियाज में, चलो डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, एकदम बहुत कभी होती ही नहीं है बारिश, बहुत कम एक दो दिन एक दो बार हो जाती है, बहुत कम होती है बारिश। और वहाँ बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या वो हवा क्या करती है, द लूज पार्टिकल्स आर इजली ब्लोन अवे बाई द स्ट्रॉन्ग विंड, और जो लूज पार्टिकल्स होते हैं रॉक के वो बहुत आसानी से जो ये है विंड उसको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है डिपॉजिट कर देता है। थस द विंड इज आल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, इसी कारण जो विंड है वो भी एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन में जो इसका एक्शन है आप इसकी पावर को आप कहाँ ज़्यादा दे सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसकी शक्ति कहाँ, तो ये डेजर्ट रीजन में। एक यहाँ पर डू यू नो है, डू यू नो ये कह रहा है कि एयर कैन नाइदर बी सीन नॉट फेल्ट बट द स्विफ्ट हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज फेल्ट एंड इट इज कॉल्ड विंड। देखो भाई जो हवा होती है उसको हम लोग ना ही देख सकते हैं ना ही मतलब महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पर कब हम महसूस करते हैं, जब वो हवा हॉरिजेंटल में स्विफ्ट हॉरिजेंटल में जब चलती है तभी हम उसको महसूस कर पाते हैं और उसको हम लोग विंड कहते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम लोग एयर को महसूस नहीं कर सकते, तो हवा चलेगी नहीं तब तक एयर आप महसूस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर है द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ ए कैपेसिटी टू रब स्क्रैप रॉक्स रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप रॉक्स लाइक मशरूम्स। देखो जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है वहाँ पर, इतना ज़्यादा वो विंड तेज होता है कि वो बड़े बड़े चट्टानों को मिटा देती है, उसको स्क्रैप कर लेती है, उसको मतलब बहुत उस पर हवा आता रहता है, हवा आता रहता है वो क्या है शेप अपना बदल लेता है, तो एक स्ट्रेंज शेप बनाता है जो कि मशरूम जैसा होता है। देखो कैसा शेप, जैसे कि यहाँ पर ये एक रॉक है, ठीक है, क्या है रॉक है, अब ये जो रॉक है इधर से इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है विंड्स आते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं कि ये यहाँ का जो इसका प्लेस होता है ये क्या कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म कर दे जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं, और ख़त्म करते 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 इसको पूरा ऐसे ये यहाँ पे पूरा ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं तो क्या होता है जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये इस टाइप का हो जाएगा, इधर से इतना कम हो जाएगा, इधर से इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ऐसे कम होता है तो ये क्या इस तरह का क्या बनाता है, एक शेप बनाता है जो कि एक मशरूम का टाइप का जो है शेप बनाता है, ठीक है। द कैरिड मटेरियल इज देन डिपोजिट एट ए न्यू प्लेस वेन एवर द स्पीड ऑफ विंड स्लो डाउन। अब जो वहाँ से डेजर्ट में से जो धूल है उसको उड़ा कर लेके जा रहा है या लूज पार्टिकल्स है रॉक्स से उसको उड़ा के ले जा रहा है, तो वो जब क्या होता है हवा बहुत तेज चल रही है उड़ के उड़ते हुए जा रहा है, वो जहाँ पर हवा कम होगी वहाँ पर वो क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से उठाया जा रहा है वहाँ पर तो इरोजन होगा, वहाँ से मिट्टी कटाव होगी, मिट्टी हटा दिया जा रहा है तो वहाँ पर डिग्रेडेशन होगा, और जहाँ पर वो जा रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पर एग्रेडेशन होगा, वहाँ पर जो है लैंड बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू और जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है नहीं देखा है तो तीनों वीडियो को जो लिंक है ना गाइस नीचे कमेंट में आपको मैं जो है डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाइए और जल्दी से उसको भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है, देख लिया तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है द फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स,
अब क्या होता है, इस हवा से एक वेरियस टाइप के सैंड ड्यून्स बनते हैं। अब सैंड ड्यून्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसी टाइप्स के मटेरियल्स को एक जगह से उठाया जाता है, लूज पार्टिकल्स को दूसरी जगह डिपोजिट किया जाता है, तो इससे सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स जो बनते हैं आप इसको वेस्टर्न पार्ट में देख सकते हैं, राजस्थान हमारे इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में अगर कोई रहता है तो, या अगर आप कभी वहाँ पर विजिट किए हैं डेजर्ट में तो आप लोगों ने देखा वहाँ पर सैंड ड्यून्स, जो पिक्चर देख सकते हो आप, इस तरह का सैंड ड्यून्स होता है। चलो ये हमारा एक और पॉइंट ख़त्म हो गया वाइंड। अब हम पढ़ लेते हैं सी वेव्स। सी वेव्स अलोंग द सी शोर, सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। द कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक द रॉक्स। जो सी शोर के पास जो सी वेव्स चलते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन माने जाते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक। अगर वो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं रॉक्स को। देखो कैसे, तो यहाँ पर पानी है, बार बार सी है, मतलब ये बार बार सी वेव्स इस पर आ रहे हैं तो ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, क्या कर देता है, तोड़ देता है। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टिप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी। ठीक है, इस तरह का जो होता है इरोजन उसको हम लोग कहते हैं स्टिप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी। ठीक है, क्लिफ्स कहते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पानी के बीचों बीच ये पत्थर है, तो ये शुरुआत में ऐसा नहीं था, ये पूरा बड़ा होगा, इसको इस पर आके आते आते क्या कर दिया, इसको तोड़कर इसको छोटे छोटे से पार्ट को तोड़कर पानी अंदर लेके चला गया है। देखो यहाँ पर ये फ्लैट है, फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब टूटा गया है। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल में भी डिपोजिट अलॉन्ग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। और जो इरोज मटेरियल होता है, इरोज ये थोड़ी होता है कि एक बार मारता है तो पूरा का पूरा टूट जाता है, एक बार मारेगा तो थोड़ा टूटेगा, फिर थोड़ा 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 टूटते टूटते, मतलब कि ये 100-200 साल 300-400 साल में ये पूरे चट्टान को तोड़ देते हैं, और तोड़ के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको वहाँ से उठाते हैं, और सी वेव्स उसे अगर बीच पर जाएंगे, सी वेव्स क्या होंगे, बीच पर जाएंगे, बीच पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, जो भी इरोडेड मटेरियल होता है, जो भी इरोडेड मटेरियल लोग अभी तोड़ के लाते हैं वो सब बीच पर क्या कर देते हैं, डिपोजिट कर देते हैं। ह्यूमन बींग आल्सो प्ले क्रूशियल रोल चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। और जो ह्यूमन बींग है वो भी एक बहुत बड़ा रोल फेस करते हैं लैंड को चेंजिंग में। अब यहाँ पर लैंड ख़त्म हो रहा है तो आपको सारा कुछ बता रहा है, ये ह्यूमन बींग की गलती जो है। ठीक है, तो इरोजन में बहुत ज़्यादा फॉर्म लेते हैं ह्यूमन बींग, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जब ह्यूमन बींग्स की संख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए रहने के लिए जगह बनाना होता है, जगह बनाने के लिए पेड़ पौधे वहाँ पर रहते हैं उसको काट दिए जाते हैं, जगह ज़्यादा लोग होंगे तो सेटलमेंट ज़्यादा होगा, सेटलमेंट ज़्यादा हो तो रोड भी ज़्यादा बनवाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर पेड़ कटते हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चर होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनते हैं, और ये सब न्यू ह्यूमन सेटलमेंट बनता है, तो ये सब क्या होता है, हमारी मिट्टी को जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, बहुत ठेस पहुँचाता है, हमारे मिट्टी को बहुत इरोज होता है। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल, ये तो कुछ फ्यू एग्जाम्पल है विच चेंज द लैंड सरफेस, ये कुछ एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप हाइयर क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बताए जाएंगे। Human beings need to take care of all the resources for maintaining ecological balance. और ह्यूमन बींग्स को इसका टेक केयर करना चाहिए, और जितने भी हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग को क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। दिस कैन बी अचीव बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सब क्या हो जाएगा, फिर अब छुप जाएगा, अचीव हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो था एजेंट ऑफ ग्रेडेशन जो है पूरा कम्प्लीट हो गया, मैंने आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री में आपको यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। अब जो है हम कर लेते हैं सॉइल को। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट सॉइल। सॉइल इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल एक लूज मटेरियल है जो कि सरफेस पे पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स से बना हुआ है। द ऑर्गेनिक पार्टिकल आर डिराइव फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल या पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, डेड और जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उससे आते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस पार्टिकल गेट डिकम्पोज एंड चेंज इनटू ए डार्क कलर मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस। और बहुत कोर्स ऑफ टाइम यानी बहुत सालों में, बहुत टाइम में ये जो पार्टिकल है डिकम्पोज हो जाता है और इसका जो कलर है वो डार्क कलर हो जाता है। इस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं।
द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और ये जो ह्यूमस है ये सॉइल के कंट्रीब्यूटर्स में फर्टिलिटी के तौर पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है लैंड में। दिस इज रैपिडली फॉर्म इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। ये जो ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, तो ह्यूमिड एरियाज में। ह्यूमिड एरियाज में बहुत अच्छी क्या होती है, वहाँ पर आपका जो है सीजन और वेदर अच्छा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा होता है, ठीक है। हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट सॉइल। अब जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर जो ह्यूमस है वो बहुत कम होता है, जैसे डेजर्ट सॉइल में। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल आर डिराइव फ्रॉम रॉक्स। अब ऑर्गेनिक तो समझ में आ गया कौन से पार्टिकल होते हैं, अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं रॉक से आते हैं। दे इंक्लूड लूज डिस्टेनिगेट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये जो है लूज डिस्टेनिगेटेड यानी छोटे छोटे लूज पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के। द लार्ज साइजेस आर कॉल्ड ग्रेवल। जो बड़े साइज के होते हैं उसको हम ग्रेवल कहते हैं, मिडल द स्मॉलर वन आर कॉल्ड सैंड। और जो छोटे साइज के होते हैं उसे हम सैंड कहते हैं, सिल्ट एंड क्ले, मतलब सिल्ट और क्ले भी इसको कहते हैं सैंड के अलावा। ए मिक्सचर ऑफ दिस पार्टिकल्स gives rise to different type of soil as per their proportion। और ये जो mixture of particles होते हैं ये एक different type of soil क्या करते हैं, proportion करते हैं, यानी different type of soil बनाते हैं। These are called sandy, loamy, clay soils। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो कुछ sandy होंगे, कोई loamy होगा, कोई clayey soil होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है soil को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, ठीक है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कौन कौन से है, तो sandy, loamy, clayey, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझेंगे, जो फॉर्मेशन है सॉइल का वो कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मेशन हमारा सॉइल का कैसे होता है, देखो तो आ जाते हैं हम लोग नीचे थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स ए थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है, ये थाउजेंड ईयर्स लेता है एक लेयर बनाने में, सॉइल का एक थिन लेयर बनाने में ये थाउजेंड ईयर लेता है। एज मेंशन अर्लियर द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। पहले हम लोगों ने ऊपर जो है मेंशन किया हुआ था कि जो वेदरिंग प्रोसेस होता है, पार्ट वन में बताया है मैंने, तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से जाकर देख लो, ठीक है। क्या होता है इसमें प्रोसेस किया जाता है ब्रिक, और रॉक्स को क्या किया था, ब्रिक किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। दीज आर देन कैरिड अवे बाई वाटर, वाइंड एक्सेट्रा। अब इसको क्या कहता है, कैरिड किया जाता है, इरोजन होता है वहाँ से, किसके द्वारा, तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जो कि मैं सब कुछ समझा दिया हूँ मैंने, पार्ट वन पार्ट टू इंट्रोडक्शन सब कुछ बना रखा है, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। एंड लेटर गेट डिपोजिटेड एट ए न्यू प्लेस, और उसके बाद उसको वहाँ से एक जगह से उठाकर डिपोजिट कर दिया जाता है दूसरे प्लेस पे। सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऐसे जो सॉइल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। बट वेन द सॉइल इज फॉर्म बाई द वेदरिंग ऑफ पैरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। मतलब कि ऐसे जो सॉइल होते हैं जो कि वेदरिंग के प्रोसेस से जो पैरेंट रॉक होते हैं, जो पहले से रॉक्स होते हैं, उसी से वापस ये सॉइल बन जाते हैं, तो उस सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, ठीक है। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। ये जो सॉइल फॉर्मिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत टाइम तक ही चलता रहता है। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर वन ओवर द अदर। ये स्टार्ट करता है एक पे ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनाना, ठीक है। दिस लेयर आर कॉल्ड हॉरिजन्स। और ये जो लेयर्स बनते हैं के ऊपर एक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजन्स कहते हैं। फ्रॉम बॉटम टू टॉप द लोएस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक, देन कम्स द हॉरिजन ऑफ वेदर्ड रॉक एंड इट्स फॉलोड बाई द सब सॉइल एंड टॉप सॉइल। अब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बॉटम में होता है, सबसे जो नीचे जो मेन सॉइल जो बनता है उसको हम सॉलिड सॉइल या बैक सॉलिड रॉक या बेड रॉक कहते हैं। उसके बाद क्या आता है हॉरिजन, उसके एक ऊपर जो एक हॉरिजन आएगा उसको क्या कहलाता है, वेदर्ड रॉक कहलाते हैं। उसके बाद एक और ऊपर आएगा तो वो सब सॉइल होगा, और उसके बाद सबसे ऊपर आएगा टॉप सॉइल, ठीक है। द टॉप मोस्ट हॉरिजन इन रिच इन ह्यूमस। और आपको बता देता हूं, जो टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल हॉरिजन होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है रिच, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। देखो यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है सब कुछ फोटो से, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ जो है आपको समझाया हुआ है, ठीक है, मैं वो सब कुछ दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर टॉप सॉइल बनता है, क्या बनता है, टॉप सॉइल। देखो सब सॉइल है, फिर वेदर्ड रॉक है, सॉलिड रॉक, सबसे नीचे वाला जो है अब सॉलिड रॉक है, इसको हम लोग बेड रॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेड रॉक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको,
हम लोग बेड रॉक भी कहते हैं सॉलिड रॉक को। सॉलिड रॉक के बाद आता है वेदर्ड रॉक, ठीक है, क्या आता है वेदर्ड रॉक आता है। वेदर्ड रॉक के बाद आता है सब सॉइल, फिर टॉप सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल क्या होता है, बहुत इसमें ह्यूमस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है टॉप सॉइल में, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोग को जो है यहाँ पर सॉइल समझ में आ गया, टॉप सॉइल और जो सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सॉलिड रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल, वो भी समझ में आ गया। अब जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, अलग अलग सॉइल के टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे हमारे भारत में, ठीक है। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। जो सॉइल होता है वो जनरली क्लासिफाई किया जाता है उसके कलर और टेक्सचर पर। देखो अब कौन कौन टाइप्स के हैं, तो एक एल्यूवियल सॉइल है, फिर ब्लैक सॉइल पड़े है, उसके बाद रेड सॉइल है, फिर एक लेटराइट सॉइल है। तो ये चारों सॉइल है, तो चारों सॉइल को पढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। एल्यूवियल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट में पाया जाता है इंडिया में। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर एंड इट्स कन्फाइंड टू नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स। और ये जो बहुत ज़्यादा मेनली डिपोजिशन होता है इसका सेडिमेंट्स रिवर्स के द्वारा, जो मैंने आपको समझाया था कि रिवर के द्वारा क्या होता है सेडिमेंट्स का जो है फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर डिपोजिशन होता है, तो इससे ज़्यादा ये बनता है। और ये किससे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन और कोस्टल प्लेन्स में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टिल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज जो होता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, यहाँ पर एग्रीकल्चर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्टाइल जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। कहाँ, तो ये एल्यूवियल सॉइल में, ठीक है। चलो एल्यूवियल सॉइल देखो, यहाँ पर फोटो में जो है आपको दिखाया हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ एल्यूवियल सॉइल, तो देखो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल को ग्रीन कलर में बताया हुआ है, लेकिन लाइट ग्रीन में। देखो ये लाइट ग्रीन का पार्टिकल यहाँ पर है, देखो कौन कौन, तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे जहाँ पर जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है खेती बाड़ी होती है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल। इट इज़ फॉर्न एंड डीकन प्लेटी। ये जो है डीकन प्लेटी पाया जाता है। डीकन प्लेटी क्या होता है, तो ये जो है नीचे साउथ में आता है, ठीक है, कहाँ आता है, तो साउथ में आता है ये। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, मतलब कि वही साउथ में आता है, साउथ में, ठीक है, यहाँ पर गुजरात में कुछ आएगा, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटका में, ठीक है। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। और ये जो सॉइल होते हैं इसमें बहुत एबिलिटी होती है, मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये सूख जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, ठीक है, चिपचिपा हो जाता है। इट इज़ लार्जली यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड थस इज पॉपुलरली नॉन एज कॉटन सॉइल। और ये जो है लार्जली ये यहाँ पर इस टाइप के सॉइल पर सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करता है, इसी कारण जो है इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब देखो ब्लैक सॉइल कहाँ है, तो ब्लैक सॉइल को यहाँ पर ब्लैक कलर से किया हुआ है, अब देखो ब्लैक कलर से किया हुआ है, देखो ये ब्लैक, यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर गुजरात में देखो कुछ पार्ट्स हैं, और कुछ पार्ट्स यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल्स के भी हैं, यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो कुछ पार्ट्स एल्यूवियल सॉइल के भी हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं रेड सॉइल। एज द नेम सजेस्ट द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसके नाम से पता चल रहा है कि रेड सॉइल है, तो कैसा कलर भी रेड होगा, क्योंकि इसमें आयरन जो है प्रेजेंस होता है। अब देखो पार्टिकल्स, रेड आयरन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन एंड डीप। ये जो रेड पार्ट जो सॉइल होता है, ये सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या होता है, मतलब कि नॉर्दर्न ईस्ट में, और ये साउथ में जो है एकदम नीचे एरियाज में क्या कहता है पाया जाता है ये रेड सॉइल। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये साउथ में, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पाया जाता है। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा जो है हाई प्रोनस होता है, और ये बहुत फाइन ग्रेन एंड डीप होता है, बहुत गड्ढा, मतलब यहाँ पर डीप बहुत गहराई होती है। लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल क्या होता है, इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिल स्लोप जहाँ पर होता है, हिल जहाँ पर होता है वहाँ पर ये होते हैं। द लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। और जो ये लेटराइट सॉइल है, ये हैवी रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस। और ये जो है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, तो ये लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
ए नेचुरल प्रोसेस इन विच रेनी वाटर डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कैरी देम अवे. ठीक है, इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं. जब रेनी वाटर क्या करते हैं, मिनरल्स में डिजोल्व हो जाते हैं और इस सॉइल को वहाँ से कैरी करके दूसरी जगह कर देते हैं, इसको दूसरी जगह अवे कर देते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करता है, ऐसे बनाता है. ठीक है, क्या करता है उस समय, ये लेटराइट सॉइल बनता है लीचिंग के प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दीज फोर टाइप्स दे आर डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल्स. और ये इसका जो है, ये फोर टाइप्स जो है आपको डेजर्ट माउंटेन सॉइल्स में आपने देखा, दे आर फाउंड इन रिस्पेक्टिव रीजन, ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर इज सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जो टॉप लेयर जो होता है उसका जो रिमूवल होता है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सॉइल इरोजन इज सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन सर्टेन एरिया द सॉइल इरोजन हैज बिकम मीनिंग्स एंड कॉज्ड इट्स लाइन इन द क्रॉप यील्ड. दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक कटिंग ऑफ ट्री और ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स बिसाइड मैनी अदर रीजन्स. सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्री, सेलेक्टिविटी एग्रीकल्चर, पार्टिकल लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मैथड, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्चुर लैंड. वी नीड मास अवेयरनेस एंड एडोप्शन ऑफ दिस पार्टिकल एट लोकल लेवल. अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि हम इस पूरे चैप्टर में समझा कि जो इरोजन होता है, देखो मैंने आपको समझाया था इरोजन होता है तो एक तरह से मिट्टी हटती है, तो जहाँ से मिट्टी हट रही है तो वहाँ पर तो एग्रेडेशन डिग्रेडेशन होता है. वहाँ पर ग्रेडेशन मतलब लेवलिंग ऑफ लैंड होता है, और डिग्रेडेशन मतलब मैंने समझाया आपको पार्ट वन में. और डिग्रेडेशन में क्या होता है, वो नीचे घटता है, तो वहाँ पर जहाँ से सॉइल हटेगा तो वहाँ पर नीचे वो घटेगा. ठीक है, तो वहाँ पर घटता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं. क्या कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये क्रॉप यील्ड में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कर्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइनिंग होती है क्रॉप यील्ड में. ठीक है, तो यही कुछ होते हैं. और हम लोग जो ह्यूमन पार्टिकल्स, क्या हम लोग बहुत गलत काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ह्यूमन्स कि पेड़ काटते हैं और ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल्स से, बिसाइड मैनी अदर रीज़न, बहुत सारी रीज़न की वजह से सॉइल इरोजन होता है हमारे द्वारा भी. तो सॉइल इरोजन को जो है हम लोग को चेक करना चाहिए और इसको सुधारना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि हम लोग सॉइल को लगाए हैं, मतलब कि सॉइल को और ज़्यादा मतलब बढ़ाएं. कैसे, तो ट्री को लगा के, अब ट्री को लगा के रखोगे तो वहाँ के जितने भी सॉइल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओगे तो सॉइल क्या करेंगे, वो रूट होगा सॉइल, जो सॉइल पूरा बांध के रखेगा, तो वहाँ से सॉइल इरोजन होगा ही नहीं. ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा. ठीक है, तो यही कारण है. और अगर हम ज़्यादा ट्री करेंगे, एग्रीकल्चर ज़्यादा करेंगे, क्रॉप रोटेशन मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड करेंगे और बहुत सारे डेवलपमेंट मेजर मैनेजमेंट करेंगे और पेस्चर लैंड करेंगे, लैंड को पेस्चर करेंगे, तो हम लोग जो है इस प्रॉब्लम से, सॉइल इरोजन से बच सकते हैं. तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और दूसरों को भी बताएं कि प्लांट नहीं काटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उससे उनसे कहो कि हाँ आप भी लगाएं. ठीक है, तो यही कुछ कारण होते हैं. तो यही हमारा चैप्टर था, पूरे चैप्टर में हमने समझा कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ पे, कौन कौन से एक्सटर्नल चेंजेस हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. ग्रेडेशन पढ़ा हमने, एग्रेडेशन पढ़ा, डिग्रेडेशन पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने इरोजन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने एजेंट ऑफ ग्रेडेशन को समझा. उसमें हम लोग फोर टाइप्स ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन समझा, हम लोगों ने पढ़ा कि रनिंग वाटर क्या है, क्या क्या करते हैं, कज करते हैं, उसके बाद ग्लेशियर, वाइंड, फिर सी वेस्ट, इसको कंप्लीट किया. उसके बाद हमने सॉइल कंप्लीट किया. सॉइल को कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोगों ने उसके डिस्ट्रीब्यूटिव समझे, कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सॉइल हमारे कंट्री इंडिया में. तो यही सब पूरा चैप्टर था. हम लोगों ने चैप्टर को जो है अभी पूरा कंप्लीट कर दिया है. सो गाइस, ये था पार्ट थ्री, और इस चैप्टर में हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है. इस वीडियो में सब लास्ट हो गया, हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया है, और ये था हमारा पूरा चैप्टर. तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे समथिंग टू नो क्वेश्चन, जो ए बी सी और डी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उस वीडियोस में हम मिलेंगे. तो आप सभी मैं यही वादा करता हूँ कि आप जो है
जल्दी से हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, बहुत जल्दी होने वाला है गाइस। 1K जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग जो है हमने हमसे वादा किया है कि हम लोग 50 से 60 के जो है बीच में जो है हम लोग प्लांट्स को क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। सो गाइस तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अच्छा से कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी लगी। सो कीप लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। Till then, have a good day.